महानायकों की मूर्तियां तोड़े जाने के मसले पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह सख्त चेतावनी जारी कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि लोगों पर इस चेतावनी का जरा भी असर नहीं। तभी तो बाबा साहेब के बाद अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया है। राजस्थान के राजसमंद के धर्मनगरी इलाके में नाथद्वारा तहसील रोड पर मंगलवार देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने गांधी जी की मूर्ति को तोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश कर रही है। कवि दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश में क्या हो रहा है? महान पुरुषों की मूर्तियों को क्यों तोड़ा जा रहा है? इनकी मूर्तियां तोड़कर आखिर हासिल क्या होगा? क्या ये माहौल खराब करने की कोशिश है? आखिर कौन लोग हैं जो मूर्ति कांड को अंजाम देकर हिंसा की चिंगारी भड़काना चाहते हैं? पिछले एक महीने से कभी उत्तर प्रदेश तो कभी केरल में महान पुरुषों की मूर्तियों से छेड़छाड़ हो रही है। अब ये चिंगारी राजस्थान तक पहुंच गई, जहां वार देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया गया है। असामाजिक तत्वों ने राजसमंद के धर्मनगरी इलाके में नाथद्वारा तहसील रोड पर गांधी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मंगलवार रात मूर्ति से सर को अलग कर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया, जिनके नाम पर इतिहास लिखे गए हैं, जिनकी महान गाथाओं को याद कर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है, जिन्होंने देश को अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया, उनका अपमान कर असामाजिक तत्व देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी की टूटी प्रतिमा को देखकर लोगों का आक्रोश ना भड़के, इसीलिए पुलिस ने प्रतिमा का टूटा हिस्सा कपड़े से ढकवा दिया। लोगों ने पुलिस को बताया कि हमने बीती रात तकरीबन 1 बजे 4 से 5 लोगों को मोहल्ले में आते देखा था, शायद उन्हीं ने बापू की मूर्ति को तोड़ा है। फिलहाल पुलिस बापू का अपमान करने वालों की तलाश कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।